वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्योरम 8.9। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम 8.9 का? तो स्टेटमेंट ये है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के तीन साइड होगी, तो कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। क्या है फिर से स्टेटमेंट? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, अगर ये दो साइड में ले रहा हूं तो थर्ड साइड हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को आप मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल की बात होने वाली है। ठीक है, ट्रायंगल की बात होने वाली है। ओके, और एक चीज, जब भी हम थ्योरम की बात करेंगे तो कुछ स्टेप्स हैं उसके। ठीक है, आप पूछोगे सर कौन से स्टेप्स हैं? तो जब भी आपका थ्योरम होगा, जब भी आपको थ्योरम को प्रूफ करना है, तो सबसे पहले उसका गिवन लिखना है आपको कि हमें स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है। दूसरा चीज टू प्रूफ हम लिखेंगे कि इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। तीसरी चीज, अगर उस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है, चलो तीसरे स्टेप में हम फिगर डाल देते हैं कि हमें फिगर ड्रॉ कर लेना है। फोर्थ स्टेप ये रहेगा कंस्ट्रक्शन, अगर उस फिगर में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन होगा। फिगर में हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, वो चीज भी हम मेंशन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन होने के बाद मतलब टोटल ये पांच हो गए, गिवन, टू प्रूव, फिगर एंड कंस्ट्रक्शन, चार स्टेप हो गए। फिफ्थ स्टेप में आएगा आपका प्रूफ। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलो फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो गई, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, और इस ट्राइंगल को मैं नाम दे रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ए बी सी। चलो आपको जो साइड दिख रही है, ए बी साइड दिख रही है, उसका मैं मिड पॉइंट ले रहा हूँ ई पॉइंट। ठीक है, ए बी साइड का मिड पॉइंट मैं ले रहा हूँ ई। दूसरी जो साइड है ए सी, उसका मिड पॉइंट ले रहा हूं मैं एफ। एक हो गया आपका ई मिड पॉइंट, सेकेंड हो गया आपका एफ मिड पॉइंट। ठीक है, हमारे स्टेटमेंट में क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, मतलब हम यहाँ पे ई और एफ को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ई एफ को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा फिगर रेडी हो गया। यहाँ पे अभी जो भी चीज हमने यहाँ पे फिगर बनाई, गिवन में लिख देंगे हम। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि एक हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, फिर हम लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड है, ए बी साइड है। तो आप लिखोगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ठीक है, ये लिखने के बाद आप ऐसा लिख सकते हो कि ए इक्वल टू ई बी होगा, ई मिड पॉइंट है, तो ए से लेके ई तक का डिस्टेंस और ई से लेके बी तक का डिस्टेंस यहाँ पे आप लिख दोगे गिवन में, इक्वल होगा मिड पॉइंट ए सी। लिए सेकंड स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इसमें आप क्या लिखोगे, ए से लेके एफ तक का डिस्टेंस और सेकंड एफ से लेके सी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो उसमें आप लिखोगे ए एफ इक्वल टू एफ सी। ठीक है, एफ इक्वल टू एफ सी, ये हमारा गिवन हो गया। टू प्रूफ हमने क्या लिखा है, अब ये टू प्रूफ हमें थ्योरम में कैसे पता चलता है, तो थ्योरम की जो लास्ट लाइन है वो आप देखो, क्या है लास्ट लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट आपने ज्वाइन कर दिया ई एफ, तो ये जो ई एफ है, ई एफ इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये दो साइड हमने देख ली, तो थर्ड साइड ये वाली साइड होगी। तो ये जो हमने लाइन सेगमेंट यहाँ पे ज्वाइन किया ई एफ, EF is parallel to third side, तो third side का नाम क्या होगा आपका, BC होगा, तो आप यहाँ पे two proof में लिखोगे EF is parallel to BC, और एक line लिखी हुई है थी कर statement में, and equal to half of it, मतलब ये जो EF का answer है, ये जो EF है यहाँ पे, EF is equal to half of BC, मतलब one upon two into BC, ठीक है, BC का जो भी answer होगा उसको आप divide by two करोगे तो आपको ये EF मिल जाएगा। ये सारी चीजें हमें प्रूव करनी है। ओके, तो गिवन लिख लिया हमने, फिगर बना दिया और हमने टू प्रूफ लिख दिया। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक कंस्ट्रक्शन करने वाले, इस फिगर के अंदर हम एक्स्ट्रा चीज करने वाले। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ये आपकी यहाँ पे ए बी साइड होगी, ए बी साइड को पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है सी एम। ठीक है, सी एम इज पैरेलल टू ए बी, ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये जो यहाँ पे ई एफ लिखा था इसको हम आगे तक एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, और वो सी एम को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे हम नाम दे देंगे पॉइंट डी, ये पॉइंट डी हम नाम दे देंगे। ठीक है, तो जो भी चीज हमने यहाँ पे फिगर में चेंज किया होगा वो हम कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ सी एम
which is parallel to AB, तो आप लिखोगे CM parallel to AB and extend EF up to D, ठीक है? ये हमने यहाँ पे फिगर कंस्ट्रक्शन बता दिया, तो हमने क्या क्या लिख दिया, गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, फिगर रेडी हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है? अभी हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करने वाले हैं, तो जैसे आप फिगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बाद रेडी करोगे तो आपको यहाँ पे दो छोटे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो छोटे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्राइंगल होगा आपका ट्राइंगल AEF और दूसरा ट्राइंगल होगा आपका CDF, ठीक है? तो जब भी आपको दो छोटे ट्राइंगल दिखाई दे किसी भी फिगर में, एक ही काम करना है आपको, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। क्या करेंगे हम इसको, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करने वाले हैं, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF, ठीक है? सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल EAF, यहाँ पे आपको ट्राइंगल में एक एंगल दिखाई दे रहा है एंगल EAF, और दूसरा एंगल आपको नीचे दिखाई दे रहा है एंगल DCA, ये दोनों को मैं इक्वल लिख रहा हूँ। आप पूछोगे सर रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आपको पता है ये दो लाइन पैरेलल है, ये एंगल और ये नीचे वाला एंगल, ये यहाँ पे जेड शेप बनेगा। तो जेड शेप कैसे होता है, हमने चैप्टर 6 में देखा था कि जब भी जेड शेप बनेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो ये रीजन में हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड चीज AF इक्वल टू FC, ये हमने कहां से लिखा, आप गिवन देखिए, यहां पे हमने गिवन में एक चीज लिखी थी कि F मिड पॉइंट है तो AF इक्वल टू FC हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड चीज हम क्या लिखेंगे, अभी यहां पे जहां पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं वहां पे आपको एक क्रॉस दिखाई देगा, क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो जब भी क्रॉस आएगा, चैप्टर 6 में एक और टॉपिक हमने देखा था कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे कौन सा एंगल होगा, कौन सा एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल EFA, एंगल EFA इक्वल टू एंगल DFC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो किसी भी ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो तीन कंडीशन चाहिए, तो हमारे यहाँ पे तीन कंडीशन हो गई, दो एंगल आ गए और सेंटर में हमारी एक साइड हो गई, ठीक है? ये साइड दोनों एंगल के बीच में आ रही है, तो इस रूल को हम क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल, ठीक है? एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल के नाम क्या होंगे, ट्राइंगल AEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDF, ठीक है? ये आप रीजन में भी लिख दोगे एंगल साइड एंगल। यहां से आपको दो चीजें मिल रही है, दो रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? जब भी आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो उसके बाद आपको दो रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रिजल्ट लिख रहा हूं EF इक्वल टू FD, ठीक है? आप वहां पे इसको हम लिखेंगे सिटी, अभी सिटी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके दो छोटे छोटे पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिख लिया हुआ है EF इक्वल टू FD, रीजन में आप लिख दोगे सिटी। सेकेंड चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AE इक्वल टू CD, ये भी आप देखो ट्राइंगल जहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है वहां पे दोनों साइड सेम होगा, ए इक्वल टू यहाँ पे सीडी होगा, और ये जो फर्स्ट हमने लिखा था EF इक्वल टू FD, ठीक है? ये दो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल गए, ओके? ये दो रिजल्ट हमें मिल गए, ओके? ट्राइंगल एबीसी में हमने एक चीज देखी थी, ट्राइंगल एबीसी में हमने एक चीज देखी थी कि ये जो AE है, AE होगा इज इक्वल टू EB होगा, AE इक्वल टू EB होगा क्योंकि E हमारा मिड पॉइंट है। लेकिन अभी अभी हमने सिटी में क्या देखा, जो सेकंड सिटी मैंने बोला, क्या बोला मैंने, AE इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CD बोला। तो देखो AE का आंसर EB को भी इक्वल है, AE का आंसर CD को भी इक्वल है, तो EB और CD आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10, तो x और y आपस में इक्वल हो जाएंगे, वही चीज यहां पे हो रही है, AE इक्वल टू EB, AE इक्वल टू CD, तो ये EB और CD आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? इसको हम साइड पर रखते हैं। सेकेंड चीज कि आपको ये एक और चीज पता है कि AB इज पैरेलल टू CM, ये हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था, थोड़ा आगे कर दो आप, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये कंस्ट्रक्शन में बता दिया कि AB इज पैरेलल टू CM। अभी आप ध्यान से देखोगे तो AB का छोटा पार्ट EB होगा, फुल लेंथ AB है तो AB का छोटा पार्ट EB होगा, और CM का छोटा पार्ट क्या होगा, CD होगा।
सीएम बड़ी लाइन है उसका छोटा पार्ट सीडी होगा। अभी दो बड़ी लाइन पैरेलल है तो छोटे छोटे पार्ट भी पैरेलल होंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ईबी इज पैरेलल टू सीडी। अभी दो साइड इक्वल है और वही दो साइड पैरेलल है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, दो साइड इक्वल है और वही दो साइड पैरेलल है, तो ये जो फिगर बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलोग्राम। और नाम क्या होगा इस फिगर का, एबीसीडी इज अ पैरेलोग्राम। क्या बोलेंगे हम, एबीसीडी इज अ पैरेलोग्राम, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने पैरेलोग्राम प्रूफ कर लिया हुआ है, इसके रीजन में आप क्या लिखोगे, दो साइड पैरेलल है और दो साइड इक्वल है, तो ये हम पैरेलोग्राम ऐसे डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं, तो ये हो रहा है आपका थ्योरम 8.8, ठीक है। थ्योरम 8.8 में हमने ये प्रूफ कर लिया हुआ है कि अगर दो साइड इक्वल है और वही दो साइड अगर पैरेलल है तो वो फिगर आपका पैरेलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अभी पैरेलोग्राम हमने प्रूफ कर लिया है, हमने सिर्फ ये दो साइड के बारे में डिस्कशन किया था, पैरेलोग्राम प्रूफ हो गया, तो अब ये जो बाकी की दो साइड है वो अपने आप पैरेलल हो जाएंगे और अपने आप इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये जो एडी लाइन है एडी इज पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, AD is parallel to BC हो जाएगा। अभी AD का एक छोटा पार्ट है EF, EF उसका छोटा पार्ट है, तो अभी मैं फिर से मैं आगे वाली लाइन रिपीट कर रहा हूं कि अगर दो बड़ी लाइन पैरेलल है तो छोटे पार्ट भी पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे क्या पैरेलल होगा, EF is parallel to BC होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या पैरेलल होगा, EF is parallel to BC। तो आप अपना टू प्रूफ देखिए, हमें पहली यही चीज प्रूफ करनी थी कि ये जो EF है इज पैरेलल टू BC, तो एक चीज हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट। सेकेंड चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। चलो फिर से ये हमने पैरोग्राम प्रूफ कर लिया हुआ, ये जो नीचे आपको पैरोग्राम दिखाई दे रहा है ये हमने प्रूफ कर लिया हुआ, तो हम पैरोग्राम में ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये ED इज इक्वल टू BC होगा, AD इक्वल टू BC होगा। चलो मैं AD को क्या लिख सकता हूं, EF प्लस FD, पूरी ED लाइन को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं, EF प्लस FD लिख सकता हूं, तो यहां पे मैंने लिख दिया EF प्लस FD इज इक्वल टू BC, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे ED इक्वल टू BC, फिर ED के नीचे मैं यहां पे लिख रहा हूं EF प्लस FD और सामने इक्वल टू में BC, ओके। सिटी का आपका रिजल्ट देखो, फर्स्ट रिजल्ट हमने क्या सिटी में लिखा था कि EF और FD दोनों इक्वल ही है, तो यहां पे जो FD है उसकी जगह पर मैं EF लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये EF प्लस EF हो जाएगा, टू टाइम्स EF हो जाएगा और सामने BC लिखा हुआ है। चलो यहां पे क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 2EF, राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल टू BC, यहां पे 2 मल्टीप्लिकेशन है, ये 2 मल्टीप्लिकेशन है, सामने जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका EF इज इक्वल टू 1/2 BC, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे प्रूव हो गई, फर्स्ट चीज हमने क्या प्रूव कर लिया, EF इज पैरेलल टू BC, और ये सेकंड चीज हमने क्या प्रूव कर लिया, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।